माता जी, मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम मिथुन लग्न के 12 भावों में शुक्र की चर्चा करेंगे। हमारे पुराने वीडियोस में हमने मेष लग्न में सारे ग्रहों की चर्चा की, वृषभ लग्न में सारे ग्रहों की चर्चा की। अब हम मिथुन लग्न में हम पुराने वीडियोस में बुध की चर्चा कर चुके हैं, चंद्र की चर्चा कर चुके हैं, सूर्य की चर्चा कर चुके हैं। अब हम शुक्र की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 12 भावों में शुक्र कैसा फल देता है, जैसा कि मैंने, अगर आपने मेष लग्न या वृषभ लग्न में शुक्र का हमारा वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया है कि शुक्र हमारे सांसारिक जीवन में मजबूत, जितना मजबूत होगा उतना हमें सांसारिक सुख ज्यादा मिलेंगे। कुंडली में शुक्र जितना बलवान होगा आपका घर उतना ही आलीशान लग्जरियस आप फ्लैट खरीद सकेंगे, जमीन के साथ मकान, जो भी आपका मकान से संबंधित सपना है उतना ही अच्छा आपको आलीशान घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, फोर व्हीलर का जो सपना है, शुक्र जितना बलवान होगा उतना अच्छा आपको फोर व्हीलर मिलेगा। और अगर शुक्र कमजोर है तो ये सब जीवन की ये सब चीजों के लिए हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, आसानी से बना नहीं सकते। अगर यहाँ तक छोटी से छोटी चीजें जो है, कूलर, एसी, ये चीजों के लिए भी शुक्र का बलवान होना जरूरी है। अगर कुंडली में शुक्र बलवान नहीं है तो एक इंसान एक घर घंटी भी नहीं ले पाएगा। इंसान एक सोचेगा एसी लगाना है, उसके उसमें कई साल बीत जाएंगे। छोटी छोटी बुनियादी चीजों के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि दूसरे ग्रह कमजोर भी हो लेकिन शुक्र बलवान हो तो इंसान अपना संसारी जीवन जैसे तैसे हो निकाल के पार करने में सक्षम हो जाता है। शुक्र संसारिक सुख वैभवों का कारक है। शुक्र लक्ष्मी जी का रूप कहा गया है। शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह है। शुक्र लक्ष्मी है। शुक्र पैसा है। पैसा होता है तो सारी सुख समृद्धि हमारे पास आती है। शुक्र अगर कुंडली में बलवान हो तो हमें जीवन की हर सुख सुविधाएं मिलती है। अब हम इस कुंडली में बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में। अगर आपकी लग्न कुंडली में यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है और इसमें अगर शुक्र प्रथम भाव में यहाँ पे बैठे हैं, मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र कारक होते हैं। टोटल 9 ग्रह है लेकिन किसी की कुंडली में, सबकी कुंडली में कारक ग्रह बदल जाते हैं। शुक्र, बुध और शनि मिथुन लग्न के लिए ये 3 कारक ग्रह है, हमेशा शुभ फल देने वाले होते हैं। अगर उनकी स्थिति अच्छी हो तो बहुत अच्छा फल देंगे, खराब हो तो ही वो खराब फल देंगे। ये मेन सपोर्टर ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें से एक है शुक्र। अब शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र लग्न में बैठा हुआ, अगर यहाँ पे प्रथम भाव में 3 नंबर का जो लग्न है यहाँ पे, अगर ये आपका है तो मिथुन लग्न है, यहाँ पे शुक्र है, तो पंचमेश है, ये व्ययेश है। ये पंचमेश होकर अगर लग्न में जाएगा तो आपको संतान से फायदा करवाएगा, संतान के जन्म के बाद भाग्योदय करवाएगा। ये लग्न देश स्थान में होने से आपको सुंदर व्यक्तित्व देगा, आकर्षक व्यक्तित्व देगा। शुक्र जिसका कुंडली में इस तरह बलवान होता है वो लोग दिखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। हर इंसान की नजर एक बार उनके ऊपर टिक जाती है, इतना आकर्षक व्यक्तित्व उनको मिलता है, इंसान में सुंदरता होती है। अगर शुक्र लग्न में है तो इंसान मौज शौक करने वाला, जॉली स्वभाव का, परफ्यूम, मौज शौक जैसे पिक्चर जाना, घूमना फिरना, इन सब चीजों का शौकीन होता है। और शुक्र बलवान हो तो इंसान को इन सब चीजों में उनको सफलताएं भी मिलती है, उनके सारे शौक भी पूरे होते हैं। इंसान अगर चाहता है उसको 25,000 का मोबाइल चाहिए, 40,000 का मोबाइल चाहिए, शुक्र अगर बलवान होगा तो उसे हासिल कर सकता है। या फिर शुक्र बलवान होगा अगर उसपे कोई पाप प्रभाव नहीं है तो इंसान के सारे सपने पूरे होंगे, लग्जरियस लाइफ मिलेंगी। और अगर लग्न में इस तरह बलवान शुक्र है तो स्त्री सुख भी जातक को जल्दी प्राप्त होगा। यहाँ पे लग्न में बैठ के शुक्र सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी, मैरिज लाइफ में मिठास बढ़ेगी। पंचमेश है, प्रेम का स्वामी है, जातक रोमांटिक होगा, जातक अगर इसमें पाप प्रभाव नहीं है तो जातक किसी को भी सच्चे दिल से प्रेम करने वाला होगा, स्वार्थी नहीं होगा। लेकिन मिथुन लग्न है, जातक बुद्धि प्रधान जरूर होगा। अब अगर यहाँ पे अगर हम प्रथम भाव में शुक्र की बात करें तो ओवरऑल में इसका फल बहुत अच्छा है। व्यय शोक के मित्र स्थान में आया है तो बाहर गांव से विदेश से भी हमें लाभ प्राप्त करवाता है। विदेश के दूसरे ऊपर बोले तो विदेश यात्राएं भी आसानी से हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं शुक्र की दूसरे भाव में। अगर पंचमी शुक्र धन भाव में बैठे है तो धन और संतान का जुड़ाव होगा। यहाँ पे एक तो धन भाव है, कुटुंब भाव है, बैंक बैलेंस अच्छा होगा जातक का, कुटुंब सुख अच्छा मिलेगा जातक को, वाणी अच्छी होगी जातक की। यहाँ पे जातक कला के क्षेत्र से धन कमा सकता है। जितने भी कला के क्षेत्र है, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, बॉलीवुड लाइन हो, एक्टिंग लाइन हो, नाटक की लाइन हो, चाहे वो साड़ी की लाइन हो, चाहे वो डायमंड की लाइन हो, चाहे परफ्यूम की लाइन हो, अगरबत्ती की लाइन हो, चाहे कॉस्मेटिक्स की लाइन हो, ये सब चीजों पर शुक्र का प्रभुत्व है। सुंदर दिखाने वाली सारी चीजें, परफ्यूम, स्प्रे, अत्तर, इस तरह की अनेक लाइन सब शुक्र की है। धन भाव में शुक्र हो का व्यापार से लाभ से संबंधित होगा तो शुक्र की लाइनों में इंसान को सफलता मिलेगी। साड़ी की लाइन है, रेडीमेड की लाइन है, डायमंड की, ये सब चीजें, डायमंड ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, ये सब चीजें शुक्र के अंदर आएगी। स्त्री से संबंधित व्यवसाय, स्त्री के वस्तुओं का व्यवसाय,
जी जिसमें स्त्री कस्टमर आते हो, उनके उनके लगती कोई भी चीजें हो, उनसे संबंधित जो भी चीजें हो, उन सब के व्यवसाय में शुक्र अगर कुंडली में पावरफुल है तो आपको सफलता देगा। यहाँ पे अगर शुक्र धन भाव में है तो सफलता मिलेगी। पंचमेश होके गया है यहाँ पे धन भाव में, तो संतान के जन्म के बाद भाग्योदय होगा, बच्चे के जन्म के बाद भाग्योदय होगा। कुछ लोग सोचते हैं संतान हम बाद में जब जब होगा तब देखेंगे, सब पैसा आएगा सब बना लेंगे फिर करेंगे, पर कई बार ऐसा होता है, ऐसे योग होते हैं तो संतान के जन्म के बाद उसके भाग्य से ही सब कुछ बन जाता है। तो कई बार हमें योग के मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आज के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि भाई हम पहले कुछ बना लेंगे बाद में संतान लाएंगे। कई बार कुदरत के हम विरुद्ध चल रहे होते हैं। अगर ये आपसे शुक्र की अष्टम स्थान पे दृष्टि पड़ती है, अष्टम स्थान पे शुक्र की दृष्टि या फिर मित्र राशि पे शुभ दृष्टि पड़ती है, हमारे जीवन में संघर्षों में हमें मदद मिलती है, हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। अगर पंचमेश शुक्र यहाँ पे तीसरे भाव में बैठा है, पराक्रम स्थान है, संतान पराक्रमी होगी, तीसरे स्थान में शुक्र यात्राएं करवाएगा, यात्राओं में सफलताएं देगा, कला का स्थान है, कला के क्षेत्र से संबंधित इंसान को सफलताएं मिलेंगी, और भाग्य स्थान पे इसकी पूर्ण दृष्टि भी भाग्य में वृद्धि करेगी। ओवरऑल में यहाँ पे शुक्र का असर अच्छा होता है, शत्रु क्षेत्र है इसलिए कुछ रुकावटें जरूर इंसान को देखने को मिलती है। संतान से लाभ होता है क्योंकि संतान स्थान से अपने स्थान से एकादश भाव में शुक्र यहाँ पे बैठता है। अब हम बात करते हैं पंचमी शुक्र की चतुर्थ भाव में। अगर पंचमी शुक्र चौथे घर में बैठे हैं तो ये इनकी नीच का स्थान हो जाएगा, इनकी नीच की राशि है, यहाँ पे शुक्र अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। कोई भी ग्रह नीच का होता है तो वो इतना अच्छा फल नहीं दे पाता है, बल्कि कुछ जीवन में उसके नकारात्मक असर भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे संतान का अधिपति है तो संतान संबंधी चिंता देगा, शेयर सट्टे में नुकसान देगा, इस तरीके से अचानक नुकसानियों का योग देगा, नुकसान का स्थान का स्वामी है, प्रॉपर्टी मकान वाहन इनसे संबंधी चिंताएं आएगी। ऐसी चीजों में निवेश, मकान में वाहन में निवेश करने से पहले सोचना चाहिए, गाड़ी संभल के चलानी चाहिए, प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखने से पहले भी सोचना चाहिए, कभी नुकसान ही लग गई और प्रॉपर्टी पे भी मुसीबत आ सकती है ऐसी कुंडली में। तो अगर ऐसा शुक्र है तो आपके ऐसे उपाय जरूर करने चाहिए, नहीं तो ये काफी हमें परेशानी में डाल सकता है। ये मित्र का भी स्थान है, यहाँ पे नीच का शुक्र मित्रों से भी नुकसान देता है, हमें संभल के रहना चाहिए। प्रेम संबंधों में बदनामी के भी योग दे सकता है, हमें संभल के ऐसे शुक्र में संभल के रहना चाहिए। अगर पंचमेश शुक्र पंचम स्थान में, यहाँ पे शुक्र स्वग्रही हो जाएगा, यहाँ पे शुक्र बहुत बलवान होगा, इष्ट देवता की कृपा बहुत रहेगी जातक पे, जातक पे देवी माता की कृपा बहुत रहेगी, देवी माता का इष्ट होगा, देवी माता की आराधना करके उसे खुद को महसूस होगा कि वो जो भी प्रार्थना करता है, भले जीवन में संघर्ष है, दूसरे ग्रह का जो पुण्य जो कर्म वो लेके आया है उसी तरीके से, लेकिन उसे ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, उसे हमेशा मदद मिलेगी। वैश्य यहाँ पे स्वग्रही होगा, उसको विदेश से लाभ होगा, उसको बाहरगांव से लाभ होगा, और यहाँ पे संतान, ये शेयर सट्टे का भी स्थान है, यहाँ पे स्वग्रह अगर दूसरे योगों ने सपोर्ट किया तो शेयर में भी उसको मुनाफा होगा समय के साथ, योग के साथ, पर शेयर का ये ज्यादा डीप में देखना पड़ता है, मैं हमेशा कहता हूँ तो कंप्लीट जानकारी लेने के बाद ही हमें शेयर के बारे में जानना चाहिए। अभी पूर्व जन्म की पुण्याई का भी स्थान है, यहाँ पे अगर स्वग्रह शुक्र है तो आप पुराने जन्म में पुण्याई लेकर आए हैं, आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, आपकी स्त्री संतान होगी वो भी भाग्य के, वो भी अगर आएगी तो भाग्य का पिटारा खोल देगी, इसलिए अपने संतान अगर स्त्री संतान भी हो तो उसको काफी रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको प्यार से रखना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे शुक्र है तो आपका संतान आने के बाद आपको भाग्योदय होगा और संतान से आपको काफी सुख अच्छा मिलेगा। अगर पंचमी शुक्र यहाँ पे छठे घर में बैठा है तो ये संतान से मतभेद देगा, संतान से आपके विचार नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पेट से संबंधी समस्याएं हो सकती है, ये बीमारी का स्थान है, रोग का स्थान है, पेट से संबंधी बीमारी बढ़ सकती है, शुक्र यहाँ पे कमजोर हो जाता है, स्त्रियों से विवाद हो सकता है, पत्नी से कई अनबन के योग बनते हैं, शुक्र स्त्री का कारक है, शुक्र जितना बलवान होता है और उतना हम स्त्री सुख हमारे जीवन में अच्छा होता है, शुक्र जितना निर्बल होता है स्त्री सुख में भी हमें बाधाएं आती है। तो अगर यहाँ पे शुक्र होता है शेयर सट्टे में नुकसान के भी योग आएंगे, संतान संबंधी चिंता भी दे सकता है यहाँ का शुक्र, तो ओवरऑल में हमें यहाँ पे शुक्र हमें नकारात्मक असर देता है। और यहाँ की इसकी स्व अपने स्थान पे दृष्टि होती है तो बारवा अगर मजबूत होता है, विदेश से लाभ के योग जरूर इंसान के बनते हैं। अब पंचमेश शुक्र अगर सप्तम भाव में हो, किसी के भी अगर लड़की के कुंडली में, कन्या जातक के कुंडली में अगर ऐसा योग है तो शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना गया है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि सातवीं शुक्र वाली कन्या कुटुंब के लिए कलंक लगाने वाली होती है, लेकिन हमें इसे इतना नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। इतना ही है, सातवां शुक्र इसे इसलिए खराब कहा गया क्योंकि जीवन में अफेयर देता है और इंसान का एक अफेयर अगर टूट जाए तो वहां पे खत्म नहीं होता है। इंसान के जीवन में कई पात्र आते हैं, चाहे वो लड़की हो या चाहे वो लड़का हो,
तो इसीलिए लड़की के लिए ज्यादा खराब कहा गया है। इसीलिए ऐसी अगर लड़की की कुंडली में सातवें घर में शुक्र हो तो उसका विवाह जल्दी समय पर कर देना चाहिए, उसमें ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई नकारात्मक उदाहरण भी हमने जीवन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर शुक्र होगा तो लव मैरिज के स्थान लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पांचवा घर लव मैरिज का है और इसका स्वामी अगर सातवें घर में आता है तो लव मैरिज की संभावनाएं भी काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन समय पर सही मार्गदर्शन की ऐसे जातकों को जरूरत होती है, वो भटक ना जाए, वो गलत संगत में ना आ जाए और अपनी लाइफ को खराब ना करे, इसके लिए यहाँ पे शुक्र के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे लग्न स्थान पे दृष्टि होती है तो ये जातक को आकर्षक बनाता है, सुंदर बनाता है, यात्रा उपयोग बनाता है। जातक यात्रा में कहीं भी यात्रा पे जाए वो सकुशल वापिस आता है। तो सातवें घर ओवरऑल में शुक्र का यहाँ पे अच्छा फल होता है। अब हम पंचमी शुक्र के अष्टम स्थान में बात करेंगे। अगर अष्टम स्थान में शुक्र है, पंचमी शुक्र जाएंगे तो ये मित्र का स्थान है, लेकिन खड्डे का स्थान, इसलिए कुछ कमजोर जरूर पड़ेंगे। संतान संबंधी कुछ चिंता आएगी, संतान से मतभेद बढ़ सकता है और पंचमेश यहाँ पे होने से हमें शेयर सत्ते में भी संभालना होगा। पेट से संबंधी भी कुछ हमें तकलीफें आ सकती है उम्र के साथ। और दूसरी चीज, लेकिन आठवां घर पाताल का कहा गया, यहाँ पे शुक्र होना कई बार अचानक हमें भले ही देर से ही सही लेकिन कुछ संपत्ति और धन वृद्धि के योग जरूर देता है। और यहाँ से इसकी धन भाव पे दृष्टि होती है। शुक्र एक शुभ ग्रह, इसकी शुभ दृष्टि होती है। तो हमारे हमारे जातक जिसकी कुंडली में होगा, जातक का चेहरा सुंदर होगा, धन में वृद्धि होगी, कुटुंब सुख में दृष्टि से वृद्धि करेगा। पर ऐसी कुंडली में शुक्र का बल बढ़ाना चाहिए रत्नों द्वारा। एक अच्छा 8 से 10 कैरेट का ओपल पहनना चाहिए पन्ने के साथ, नीलम के साथ। ये तीन आपके भाग्यशाली रत्न होते हैं। रत्न द्वारा, जाप द्वारा आप ग्रह को बलवान कर सकते हैं और काफी उसके शुभ फलों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पंचमी शुक्र की नवम भाव में। पंचमी शुक्र अगर नवम भाव में बैठा है तो बहुत अच्छी स्थिति है। जातक की संतान बहुत भाग्यशाली होगी, जातक खुद बहुत भाग्यशाली होगा। जातक के जीवन में यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, जीवन में अनेक प्रकार की सुख समृद्धियों के योग बनेंगे। जातक भाग्य से हर सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होगा। विदेश से लाभ होगा जातक को, विदेश के स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में आया है, विदेश से लाभ कमाने वाला होगा। पंचमेश वहां पे गया है, शेयर सट्टे में भी जातक को समय के अनुसार लाभ मिलेगा, लेकिन शेयर सट्टे में कभी भी संभल कर काम करना चाहिए। अब पंचमेश की इस तरह यहाँ पे स्थिति होना जातक के हर तरीके से भाग्य में वृद्धि करने वाली होगी। इष्ट देवता का स्थान बहुत पावरफुल हो जाएगा। जातक जिस किसी इष्ट को मानता है वो उस पर प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि ऐसी कुंडली में ऐसा समझ सकते हैं पुराने जन्म का हमें इष्ट होता है और इसमें भी देवी माता की शक्यता बहुत ज्यादा होती है। तो हमें उनकी आराधना करते रहना चाहिए, हमेशा हर सुख दुख में उन पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। कुछ लोग, कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ आई वो भगवान से भरोसा तोड़ देते हैं, कुछ लोग तकलीफ आई फेल हो गए तो ऐसे किससे सुने हमने भगवान की तस्वीरें फेंक दी, कुछ तकलीफ आई नुकसान हुआ भगवान को मानना छोड़ दिया। हमारे कर्म का फल है, अगर हमको कुछ बुरा भी आया है तो हमें सब्र से सहन करना चाहिए। उस वक्त विश्वास कमजोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारी जो श्रद्धा है और दृढ़ रखनी चाहिए, तो हम उसमें से देवी सहायता से हम आसानी से निकल सकते हैं। यहाँ का शुक्र हर तरीके से अच्छा फल देगा, क्योंकि इस कुंडली में शुक्र कारक ग्रह होता है। स्त्री का सुख समय पे मिलेगा, अच्छी स्त्री का सुख मिलेगा, लेकिन साथ में सप्तम स्थान भी उसके लिए देखना जरूरी है, गुरु की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं पंचमेश्वर व्यय शुक्र की दशम भाव में। अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, अगर शुक्र दशम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे शुक्र उचके हो जाएंगे। बहुत अच्छी में अच्छी स्थिति है, मजबूत में मजबूत स्थिति है। पंच महापुरुष योग होता है ज्योतिष शास्त्र में, 5 तरह का महापुरुष योग, नाम का ही मतलब है महापुरुष, यानी भले वो लड़का हो या लड़की हो उसके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं। पुरुष और एक महापुरुष, यानी उसमें महानता होती है, उसके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं और वो गुण उसे संसार में, अपने समाज में, अपने लाइन में हर जगह उसको फायदा दिलाते हैं और वो एकदम श्रेष्ठ कक्षा तक ले जाते हैं। अगर शुक्र यहाँ पे उचका है तो पंच महापुरुष में से मालवीय योग बनेगा। और अगर मालवीय योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो जातक अपने व्यापार में बहुत उच्च कक्षा हासिल करेगा, जातक बहुत नाम कमाएगा। सिर्फ काम धंधा तो हर कोई करता है, लेकिन वो दूर दूर तक उसका नाम फैलेगा, दूर दूर तक उसकी अपने अपने व्यवसाय को वो फैला सकेगा, उसका नाम होगा, उसको इज्जत मिलेगी, उसकी सफलता मिलेगी। पंचमेश होने के कारण संतान उसकी बहुत भाग्यशाली होगी, संतान का अच्छा सुख मिलेगा। लेकिन पंच महापुरुष योग में कोई भी ग्रह के साथ, जैसे शुक्र इसके साथ सूर्य या चंद्र होती है, भंग हो जाएगा। फिर भी शुभफल तो रहेगा ही उसका, लेकिन उतनी कक्षा तक उतना शुभफल नहीं मिलेगा जितना पंच महापुरुष का होता है। उसका शुक्र यहाँ पे प्रॉपर्टी की बहुत अच्छा देगा, विदेश से लाभ देगा, विदेश दूर दूर तक, भले एक इंडिया इंसान एक जगह पे काम करके दूर दूर तक अपने काम को फैला सकेगा, दूर दूर से लाभ पा सकेगा। पिता से लाभ होगा यहाँ पे दशम स्थान में, खुद का व्यापार के पावरफुल योग बनेंगे यहाँ पे। गवर्नमेंट से लाभ होगा यहाँ पर, इंसान को गवर्नमेंट से भी यहाँ पे अच्छा लाभ होगा। अगर इस तरह का अगर इंसान राजनीति में है, राजनीति में आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लस होगा। इस तरीके से ओवरऑल में इंसान के लिए एक बहुत ही पावरफुल सिचुएशन, इंसान का इष्ट बहुत पावरफुल होगा, पुण्य ही बहुत जबरदस्त होगी, किसी भी मुश्किल से उसको वो निकल जाएगा, वो इंसान ऐसा वो खुद जीवन में अनुभव करेगा कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति उसके साथ उसकी मदद कर रही है कि हर चीज में से उसे निकाल रही है। तो ओवरऑल में शुक्र का बहुत अच्छा फल मिलेगा, लेकिन इसकी यहाँ पे नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो कुछ माता संबंधी चिंता या मतभेद जरूर यहाँ पे
दे सकता है और कुछ मित्रों से भी हमें मतभेद और हानि के योग यहाँ पे जरूर दे सकता है। तो हमें हर किसी पर आग बन करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पंचमी शुक्र के 11वें घर में। अब 11वें घर में शुक्र बहुत अच्छा होता है क्योंकि लाभ का स्थान है, इनकम का स्थान है। हर इंसान मेहनत करता है इनकम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये लाभ का स्थान है, इनकम का स्थान है। यहाँ पे शुक्र भूमिपति योग बनाता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। 11वें घर में और 12वें घर में, इस वक्त हम 11वें घर की बात करते हैं, यहाँ पे भूमिपति योग बन रहा है। तो फिर अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे शुक्र है तो आपकी प्रॉपर्टी तो बनेगी ही बनेगी। ऐसे हमारे कई किस्से हैं। अगर एक भाई साहब के व्यापार का स्वामी यहाँ पे नीच का था, गुरु व्यापार के योग ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक साल में प्रॉपर्टी में काम करके उन्होंने अपना 1 करोड़ का फ्लैट बॉम्बे में बना लिया। और उसके बाद उनका वो काम धंधा भी डिस्टर्ब हो गया, लेकिन जो शुक्र को जो फल देना था, संपत्ति देनी थी, उसने 1 साल में दे दी। मतलब इंसान को संपत्ति के योग तो बलवान बनेंगे ही बनेंगे, भले वो बाप दादा से हो, अगर नहीं हो तो खुद बनेगी। संपत्ति इंसान की रहेगी, आवक अच्छी होगी। शुक्र के जो जो व्यवसाय मैंने बताए, स्त्री से संबंधित व्यवसाय, कपड़े के व्यवसाय, रेडीमेड का व्यवसाय, इस तरीके के इमिटेशन का व्यवसाय, कला का क्षेत्र, सिंगिंग, डांसिंग, किसी भी तरह का कला का क्षेत्र, परफ्यूम, सुगंधी व्यवसाय, इस तरह का शुक्र का कोई भी व्यवसाय अगर जातक करेगा तो उसमें भी इंसान को लाभ मिलेगा। संतान भाग्यशाली होगी, संतान के जन्म के बाद लाभ बढ़ेगा और विदेश से लाभ के योग बनेंगे, बाहर गांव से लाभ के योग बनेंगे। इसकी पंचम, इसके सप्तम दृष्टि संतान भाव पे पड़ेगी, खुद के भाव पे। संतान भाव और बलवान होगा, संतान सुख में और वृद्धि होगी। ओवरऑल में यहाँ का शुक्र भी बहुत अच्छा फल देता है। अब हम पंचमी शुक्र की 12वें बारे में बात करते हैं। यहाँ पे शुक्र स्वग्रही बन जाता है, खुद के घर में बैठा है, खुद के घर का बैठा हुआ ग्रह भी बहुत बलवान होता है, पावरफुल होता है। अब पंचमी शुक्र यहाँ पे स्वग्रही है तो जातक पुण्यशाली होगा, भाग्यशाली होगा, प्रॉपर्टी के योग यहाँ भी बनते हैं। जैसे मैंने बताया 12वें घर में जातक भूमिपति यानी प्रॉपर्टी रहने के उसको 100% योग बनेंगे। जातक को यहाँ पे शुक्र होने के कारण विदेश से लाभ होगा, जातक को फॉरेन जाने के भी यहाँ पे पावरफुल योग होंगे, जातक के बचत के योग होंगे, जातक अच्छा पैसा बनाएगा, जीवन में अच्छी खासी सेविंग करेगा। यहाँ पे शुक्र इंसान को भोग विलास में उसका पैसा ज्यादा खर्च होगा, मौज शौक, मनोरंजन, इन सब चीजों में शुक्र यहाँ पे ज्यादा पैसा खर्च करवाएगा। और एक चीज लेकिन यहाँ पे शुक्र की खराब है, ओवरऑल में यहाँ पे सब अच्छा है, संतान का सुख, भाग्य, मौज शौक, जीवन हर एक तरीके से इंसान अच्छा सुख देख पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज खराब है कि जातक के अफेयर ज्यादा होते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो वो एक चीज नकारात्मक है। कई बार ये चीज उसके बदनामी की भी वजह बन जाती है, तो एक चीज इसकी नकारात्मक है, बाकी सब शुक्र का यहाँ पे फल अच्छा होता है। कुछ नकारात्मक चीजों पर हम जानते हैं समझ के कुछ हद तक हम उस पर नियंत्रण भी कर सकते हैं, जब दान, प्रार्थना, अर्थ, ये सब चीजों का हमें सहारा लेना चाहिए और अपने प्लस अपने माइनस जान के हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहिए। ये हुई मिथुन लग्न में शुक्र की 12 भावों में बात। हमारे अगले वीडियोस में हम बाकी के लग्नों की और बाकी के सारे ग्रहों की चर्चाएं करेंगे, वास्तु, मंत्र, तंत्र, सारे अनेक प्रकार की आप अनेक जानकारियां, दुर्लभ जानकारियां प्राप्त करेंगे। इस सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर हमारे कार्यालय से आप अपनी कुंडली दिखा के कंसल्टेंसी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चार्जेस आप पे कर कर आप फोन पर, भले आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, लोग फॉरेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जब कहाँ से हमारे पास कंसल्टेंसियां होती है यहाँ पे फोन पे, तो आप अपनी कंसल्टेंसी फोन पर बुक कर सकते हैं, कंसल्टेंसी चार्जेस बैंक में ट्रांसफर करके, और आपको आपके कठिन से कठिन प्रश्नों का समाधान, उपाय, हर चीज आपको बता दी जाती है। नमस्कार।